नमस्कार सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा करेला। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी भरवा करेला बनाना, तो चलिए बनाते हैं। बनाने की सामग्री है, देखिए हम भरवा करेला बनाएंगे। उसके लिए हम ये जो करेला है हमने 6 से 7 लिया है, इसको हमने 2 पीस में कट कर लिया है। और इसको घी कस पे हमने आराम से ऐसे ऐसे करके हमने इसका छिक्कल उतार लिया है। और इसके अंदर का जो गूदा होता है और बीज होता है, जो बीज है जो मुलायम होता है, दाबने पे मुलायम होता है, वो बीज हम यूज़ में लेंगे। किसी भी खाना पसंद करते हैं तो वो ले सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे इसको साफ करके कट कर लिया है। अब इसके बाद हम बताएंगे, तो बिल्कुल फ्रेश साफ करके ही लिया है इसको। डालेंगे 1 चम्मच नमक, देखिए 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। जब हम नमक डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से हम ऐसे इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम अच्छे से मिलाएंगे इसको, पर इसमें ज़्यादा मतलब भीचना नहीं है इसको, सिर्फ मिलाना है आपको। अब मिला के ऐसे रख देंगे हम, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे इसको, ताकि अच्छे से इसमें से पानी अपना छोड़ दे। फिर उसके बाद हम इसको मिला के इसमें का पानी निकाल देंगे। इससे हमारा करेला जो भरवा करेला बनाएंगे हम, इसको हम यूज़ में लेंगे, इसलिए इसका कड़वापन निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता है ज़्यादा कड़वापन। तो चलिए हम इसको अब साइड में रख देते हैं 20 मिनट के लिए। स्टफिंग के लिए हम लेंगे, अगर हमारा 7 करेले हैं, करेले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका करेला कितना बड़ा है और छोटा है। अगर आपका मीडियम करेला है तो आप मीडियम से ही 2 प्याज फालतू लेंगे, और आपका करेला अगर बड़ा है तो बड़े के हिसाब से ही आप उसमें ही भी 2 फालतू लेंगे, और 7 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे। इसमें आप हरी मिर्च का भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3। मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि बच्चों के मुँह में आता है वो, तो इसलिए मैं लाल मिर्च का यूज़ करूँगी करना है। और हम थोड़ा सा ले लेंगे इसमें कलौंजी, कलौंजी का भी यूज़ करेंगे। सीधे सीधे मटेरियल वह है कि करेले में अचार का ही मसाला पड़ता है, इसलिए अगर आपके पास कलौंजी या ये सब ना हो तो आप सिर्फ जीरे के तड़के, और जीरे के तड़के से भी आप बना सकते हैं, पर आप बनाते समय उस अचार के मसाले का यूज़ कर लीजिए, तो आपका करेला बहुत ही टेस्टी बनेगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 स्पून से भी कम गरम मसाला, ये हो गया हमारा मसाला जो हम इसमें डालेंगे यूज़ करेंगे। हम नींबू यूज़ करेंगे, मैं भी अचार का मसाला यूज़ करूँगी इस करेले में, इसीलिए हम आधा ही नींबू डालेंगे, क्योंकि अचार में खट्टापन होता है। और आपको बिल्कुल अलग तरीके से मैं बताऊँगी इस करेले को बनाने के लिए, ताकि आप बहुत ही आराम से इसे कोई भी बच्चा बना सकता है, जो बनाने वाले बच्चे बनाते हैं घर में खाना। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब हमारा तेल में से मसाला निकल जाता है, या मतलब हमसे जल्दी बनता नहीं है, तो हम मैं बिल्कुल सरल तरीके से ही भरवा करेला बनाऊंगी। हमने सरसों का तेल लिया है, और आप जिस रिफाइंड में खाना चाहते हैं तो रिफाइंड में बना लीजिए, नहीं तो ये सब चीज़ें सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं, तो सरसों के तेल में ही बनाइए। और ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम अगर करेला ज़्यादा है आपका तो 2 हिस्सों में पका लीजिए, और नहीं तो एक बार में भी पक जाएगा करेला हमारा, और बहुत अच्छे से पकेगा, मैं आपको पका के दिखाऊंगी। गैस आप चाहे तो करेला अगर ज़्यादा आपका कड़वा है तो इसमें भी आप नमक लगा के रख सकते हैं 10 से 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद पानी से वॉश कर दीजिए। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, और बहुत अच्छे से ये गर्म हो गया है तेल। हम सारे करेलों को एक बार में ही डाल देंगे, हमारे सारे करेले इसमें आ जाएंगे। ये देखिए है, तेल आपके पास कम है तब भी आप बना सकते हैं इसको, 2 हिस्सों में डाल दीजिए, थोड़े थोड़े करके आप फ्राई कर सकते हैं इसको। देखिए हम बिना किसी झिझक के इसको आराम से उलट पलट कर दीजिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक इसमें, बस इसमें मैंने इसलिए नमक डाला है ताकि इस करेलों के अंदर भी अपना एक फ्लेवर आ जाएगा। ये अपना एक कलर छोड़ने लगा है, देखिए बिल्कुल ब्राउन होने लगा है। हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे, बिल्कुल ज़्यादा लो भी नहीं और ज़्यादा हाई भी नहीं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे इसको, देखिए। और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसको अच्छे से, ये पक गया है, हल्का सा हम एक भाप लगाएंगे इसमें, इसको हम थोड़ा सा ढक, देखिए हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से जल्दी पक जाएगा। जल्दी है आपको तो बिल्कुल स्लो आँच पे, जल्दी नहीं है तो आप बिल्कुल थोड़ा मीडियम से भी कम आँच पे इसको सेक सकते हैं। अगर जल्दी है तो आप इसको ऐसा करके सेक सकते हैं, थोड़ा सा ढक दीजिएगा बीच में। ये देखिए
बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बन जाता है। लोग कहते हैं करेला बहुत टाइम लगता है, पर अगर आप जितना प्याज को काटने में लगता है उतना ही टाइम लगता है इसमें करेले को साफ करने में, बस फिर जल्दी से बन जाता है। हल्का सा हम फिर एक बार और ढक देंगे। देखिए इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये करेला हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। जहाँ कम है सिका हुआ उसको नीचे कर दीजिए, आराम से मीडियम फ्लेम पे ही सेकिए इसको। और ये करेला अंदर से भी जब तेल जाएगा इसमें और बाहर से भी तेल है गर्म में, तो ये अच्छे से अंदर बाहर दोनों से ही क्रिस्पी हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिक जाएगा, जैसा आपको चाहिए वैसा ही सिकेगा ये। और हमने इसमें नमक भी डाल दिया था थोड़ा सा, तो वो भी उसका भी फ्लेवर नमक का भी अंदर चला जाएगा इसके अंदर। ये देख पाने हैं जितना गोल्डन ब्राउन होता है करेला उतना ही आपको यूज़ करना है इसको। अब देखिए हम धीरे धीरे करके इसको ऐसे धीरे धीरे करके हम सारा ही करेले में का तेल निकाल देंगे। वापस हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे इसको। निकालने के बाद इसे आप निकालने के बाद इसे खुला नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और आपको उसको ढक के रखना है, या तो आप किसी गहरे बर्तन में निकालिए तो उसमें रख के ढक दीजिए। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तब तक ये मुलायम और हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी थोड़ा सा बनाया था जैसे अंदर बाहर दोनों से सिक गया है। वैसे तो ये मुलायम ही है खाने में, लेकिन फिर भी मतलब आप इसको ढक के ही रखिए। अब हमने जो पचफोरन लिया था वो डालेंगे, अच्छे से इसको ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा भी ब्राउन नहीं मीडियम ब्राउन। अभी हमारा हो गया है ब्राउन, अब इसमें हम सारा प्याज डाल देंगे। हमने लहसुन भी इसी में डाल दिया है, लहसुन हमने इसलिए डाल दिए थे इसके अंदर, मैंने अलग से रखा था ताकि आपको दिखा सके, नहीं तो लहसुन भी आप इसी के साथ चॉप करके डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे घी कसवे भी कर सकते हैं, नहीं तो चॉपर में बारीक बिल्कुल काट सकते हैं। पर मिक्सी में पीस के बिल्कुल भी भरवा करेला मत बनाइएगा, उसमें टाइम भी लगता है और अच्छा नहीं लगता है वो खाने में बिल्कुल भी। देखिए इसमें आधा से ज़्यादा इसमें पानी जल गया है। अब हमने जो करेला का बीज लिया था, ये ऊपर का छिक्कर लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि ये भी साथ में ही भुन जाए। और इसको जब आप नमक निकालेंगे, नमक से वॉश करेंगे, इसे एक दो पानी से वॉश कर लीजिएगा, तभी इसका के बाद ही निचोड़ के इसको लीजिएगा। देखिए ये भी साथ के साथ भुन जाएगा, इसमें हल्का से इसको ढक दीजिए ताकि जल्दी से मुलायम हो जाएगा, फिर भूनने में जल्दी हो जाएगा। ये हाफ स्पून से भी कम नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से इसका पानी छोड़ देगा। तो देखते हैं कैसा हो रहा है, क्योंकि ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको खुला ही पकाएंगे, खुला ही इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है और काफ़ी हद तक तेल भी छोड़ दिया ये। तो देखिए अब इसी मेजरमेंट में हम हल्का सा डालेंगे इसमें जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था, वो सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से डाल के इसको भूनेंगे। अब हमारा ये जो थोड़ा सा कच्चापन में है तो थोड़ा सा मसाला भी तो भूनेगा ना, तभी तो फ्लेवर आएगा इसका, ताकि इसमें भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो देखिए हमने मसाला इसमें सारा डाल दिया है जो मसाला लिया था। अब इसमें इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा और, तो हमारा देखिए अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। अब हमने जो लिया था नमक नींबू, ये जो नींबू है नींबू आप आधा ही डालें मगर ज़रूर डालें, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है करेलों में। ये देखिए आप तो मिलाइए, नमक मैंने हाफ स्पून से भी कम डाला था प्याज को गलाने के लिए। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल दूँगी ताकि सारे मसालों में अच्छे से नमक हो जाए। आप चाहे तो कम ही कम डालकर आप पहले चेक कर लीजिए उसके बाद नमक डालिएगा। इसमें हम अचार का मसाला, आपके पास कोई सा भी अचार का मसाला, आम का अचार का मसाला है तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास लाल मिर्ची में जो भरी जाती है उसको मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो मैं उसको इसमें दो चम्मच डाल दूँगी मसाला, इसमें दो चम्मच मैं डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, दो ही चम्मच डालूँगी क्योंकि इसमें भी नमक है इसलिए दो ही चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है। आप अगर और डालना होगा तो आप चेक करके ही डालिएगा। 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में इसमें, और अच्छे से
ये कढ़ाई भी छोड़ दिया है। सब हमारे इकट्ठा हो जाएगा मसाला, इसको आराम से। तो देखिए ये हमारा अच्छे से मसाला बनके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में मसाला। ये तो ओपन कर लेते हैं। अब हम इसको गरम गरम में ही भरना है, इसको ठंडा करके नहीं भरना है, वरना इसका जो फ्लेवर है वो करेले के अंदर नहीं आएगा। इसलिए आप बड़े आराम से भर जाते हैं, क्योंकि ये ठंडा हो चुका होता है और ये गर्म होता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको ऐसे बाइंडिंग करना है, इसको ऐसे करके रखेंगे, रख लेंगे। तो दोबारा हमको कढ़ाई तो हमारी गर्म ही है, इतने देर में हमने भर लिया था उसको, और थोड़ा सा गर्म कढ़ाई में ही हम इसको दोबारा डाल देंगे इसको ऐसे। उसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, जिसमें इसमें गैस बन जाए। खोल के दूसरे बर्तन में निकाल लीजिएगा। भरवा करेला बनके तैयार है, और कितना जल्दी और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और खाइए, और इसे किसी भी रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हैं इसको, और आप इसको पूरी के साथ सफ़र में ले जाइए और इंजॉय कीजिए। करेला बनके तैयार हो गया बहुत ही इजी तरीके से, और बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।